हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो है पिछले वाले क्लास में जो है लेंस के बारे में और लेंस से संबंधित कुछ फार्मूले के बारे में जानकारी लिया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन किए थे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो आज की टॉपिक लगी हुई है, जो आज आपके क्लास इस क्लास सेशन में चर्चा करने वाले हैं, वो आपके पेपर के दृष्टि से, आपके हाई स्कूल के एग्जाम के दृष्टि से इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये बोर्ड पेपर में 7 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं पूछते। प्यारे बच्चों, पूछता कैसे है, मानव नेत्र के सचित्र भागों का वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है और एकदम इजिली रूप में मैंने मानव नेत्र अपने व्हाइट बोर्ड पर बना के रखा है, आपको भी बताएंगे कैसे बनाना। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और चलते हैं, आप लोगों के टाइम का नुकसान न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये, तो आइए जानते हैं मानव नेत्र क्या होता है। जैसा कि हमने मानव नेत्र बना के रखा है जिससे आप लोगों का टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र तो आप सबके पास होते हैं, तो मानव नेत्र प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा मूल्यवान वस्तु होता है। मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट, जो मानव नेत्र होता है वो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, तो मानव नेत्र प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा मूल्यवान वस्तु होता है जिसकी सहायता से हम लोग जो है अपने चारों तरफ वातावरण वस्तुओं, रंग बिरंगी वस्तुओं को देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, तारे को देख सकते हैं, आने वाले वाहन को देख सकते हैं, अच्छे चीज़ खराब चीज़ सब देख सकते हैं। अगर मानव नेत्र न रहा होता या नेत्र हमारे पास नहीं रहे होते तो क्या हम देख सकते थे डियर स्टूडेंट? नहीं देख सकते थे, पढ़ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। तो क्या होता है, मानव नेत्र प्रकृति का ऐसा मूल्यवान वस्तु होता है, प्रकृति का दिया हुआ ऐसा मूल्यवान वस्तु होता है जिसकी सहायता से हम लोग संसार को देख सकते हैं, संसार के सुख दुख को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो चलिए हम लोग जानते हैं मानव नेत्र के भाग क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी भी क्लास को शेयर नहीं किए होंगे तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे ये हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से जानते हैं मानव नेत्र के भाग क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी परत होता है, उस परत का क्या नाम होता है, दृढ़ पटल होता है। हमने क्या बताया, जो मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है उस परत को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, दृढ़ पटल कहलाती है। जो मानव नेत्र की सबसे ऊपरी वाली भाग होगी उसे दृढ़ पटल कहेंगे, और ये काम क्या करती है, ये मानव नेत्र की रक्षा करती है। मैंने क्या बताया, ये मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है जो मानव नेत्र की क्या करती है, रक्षा करती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ कई बच्चे ये पूछते हैं सर लिखेंगे कैसे। प्यारे बच्चों, सेम टू सेम यही आपको डायग्राम बनाने हैं, इतनी इजीली तरीके से 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे खींचे गए हैं, बीच में आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप ये बनाइएगा और बनाने के बाद लिखिएगा मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे दृढ़ पटल क्या होता है, तो बताएंगे मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरा ऊपरी वाला भाग दृढ़ पटल कहलाता है, जो मानव नेत्र की क्या करता है, रक्षा करता है। बात समझ में आया डियर स्टूडेंट, आया हो तो आगे चलें। हमने कहा बताया जो मानव नेत्र की सबसे ऊपरी भाग होती है वो दृढ़ पटल कहलाती है, यह काम का करती है, क्या करती है, यह मानव नेत्र की क्या करती है, रक्षा करती है। आगे चलते हैं, अब दूसरी परत होती है रक्तक पटल। ये देखिए, दृढ़ पटल के नीचे वाली भाग, दृढ़ पटल के निचली वाली परत क्या कहलाती है, रक्तक पटल कहलाती। क्या कहलाती है भैया, रक्तक पटल कहलाती। ये बात आज हमको पता चल गया, बताया कौन, अरे बताया कौन, अरे हमने बताया भाई कि दृढ़ पटल की निचली वाली परत रक्तक पटल कहलाती। क्या कहलाती है, रक्तक पटल। ये इसकी रंग कैसा होता है, ये काले रंग की होती है। क्या होती है, काले रंग की होती है। अब ध्यान देना, जो काले रंग के होते हैं वो प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं, इसीलिए आप लोग गर्मी के महीने में आप लोग जब काले कपड़े पहनते हैं
तो काले कपड़े पहनने से आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश का ज़्यादा अवशोषण करता है, प्रकाश को अपने अंदर ज़्यादा समाहित करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, दृढ़ पटल की निचली वाली परत रक्तक पटल कहलाती है। क्या कहलाती है? रक्तक पटल कहलाती है, जो क्या करती है, जो प्रकाश को जो है अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण मानव नेत्र में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, रक्तक पटल क्या होता है, यह काले रंग का पटल होता है, दृढ़ पटल के निचली वाली परत होती है, जो का काम करती है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। बात समझ में आया? चलिए, सबसे लास्ट वाली जो परत होती है मानव नेत्र की, सबसे निचली वाली परत का नाम क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। पता चल गया आज आपको ये एक क्लासेस में बता दिया गया कि मानव नेत्र की सबसे निचली परत क्या होती है? रेटिना होती है। क्या होती है? रेटिना होती है, जो मानव जिसका काम क्या होता है, जिस पे किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिस पे हर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, मानव नेत्र की सबसे निचली वाली परत क्या कहलाती है? रेटिना कहलाती है, जो का कर जिस पे क्या काम होता है, जिसका काम क्या होता है, जिस पे हर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हर एक वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातें लिखना है डियर स्टूडेंट, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखने का चक्कर में पढ़िएगा, ठीक। अब इसी भाग को हम लोग जानते चलते हैं, जरा सा इसी दो बिंदु और बनाए गए हैं। रेटिना पर स्थित एक पीले रंग का बिंदु होता है, रेटिना पर स्थित एक पीले रंग का क्या होता है, बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। अरे पी पी से पीत, पी से पीला, यानी रेटिना पर स्थित एक पीले रंग का बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इस पे बनी वस्तु का प्रतिबिंब, पीत बिंदु पर बने वस्तु का प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। क्या हमने बताया डियर स्टूडेंट, पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। अब अंध बिंदु का होता है, मांसपेशियों में छुपा हुआ या मांसपेशियों से घिरा हुआ एक बिंदु होता है, रेटिना पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? रेटिना पर रहता है। ये भी रेटिना पर है, ये भी रेटिना पर ये मांसपेशियों के बीच आ जाता है, जिसके कारण इस पे बना हुआ प्रतिबिंब जो है आपको चमकीला कम दिखाई पड़ते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बार इस भाग को फिर से क्लियर करते हैं। हमने क्या कहा, रेटी दृढ़ पटल के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है डियर स्टूडेंट? दृढ़ पटल के बारे में। तो मानव नेत्र की, क्या हमने बताया, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग दृढ़ पटल कहलाती है। क्या कहलाती है? दृढ़ पटल कहलाती है, ठीक, दृढ़ पटल कहलाती है। काम क्या करती है? काम क्या करती है मानव, काम क्या है भैया? मानव नेत्र का रक्षा करना। क्या करना? मानव नेत्र की रक्षा करना। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई दृढ़ पटल के बारे में। अब रक्तक पटल क्या होती है? रक्तक पटल क्या होता है डियर स्टूडेंट? हमने बताया मानव जो आपका ये दृढ़ पटल होता है, उसके निचली वाली भाग, दृढ़ पटल के निचले वाले भाग को क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? दृढ़ पटल के निचले वाले पटल, निचले वाले भाग, निचले वाले भाग रक्तक पटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रक्तक पटल कहलाते हैं। यह काले रंग का होता है। क्या होता है? काले रंग का होता है, ठीक डियर स्टूडेंट, यह काले रंग का होता है, जो क्या करती है, जो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं होने पाता। फिर आते हैं रेटिना। रेटिना क्या होती है? मानव नेत्र की,
मानव नेत्र की सबसे निचली वाली परत, नीचे वाली परत, नीचे वाली पटल का कहलाती है, रेटिना कहलाती है। यह इस पे क्या होता है, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। का बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आइए पीत बिंदु क्या होता है, बताया रेटिना पर इसका बसेरा होता है, तो रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां प्रतिबिंब सबसे चमकीला दिखाई पड़े, जहां प्रतिबिंब चमकीला बनता है, चमकीला बनता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, पीत बिंदु कहलाता है। और ये क्या होता है, मांसपेशियों के बीच स्थित, मांसपेशियों के बीच स्थित वह बिंदु जहां पर प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई न दे, अस्पष्ट दिखाई ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं, आपके अंध बिंदु कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमने प्यारे बच्चों जैसे जैसा कि आपको बताया था वैसे आपकी मदद के लिए हमने कुछ कुछ भागे लिख दिए हैं। सबसे पहले दृढ़ पटल के बारे में बताया, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत दृढ़ पटल कहलाती है, जो क्या करती है, मानव नेत्र की क्या करती है, रक्षा करती है। फिर हमने क्या बताया, रक्तक पटल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, रक्तक पटल के बारे में बताए, मानव दृढ़ पटल के नीचे वाली परत रक्तक पटल कहलाती है, जो कि काले रंग का होता है, यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फिर हमने क्या बताया, रेटिना मानव नेत्र की सबसे नीचे वाली परत का कहलाती है, रेटिना कहलाती है, इस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर पीत बिंदु और अंध बिंदु के बारे में बता दिए। अब इधर वाले भाग में जानते हैं, जो मानव नेत्र के आगे के जो भाग है। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा कार्निया। इस वर्ड पे जाइएगा प्यारे बच्चों, यहां जो ये लिखा गया है कार्निया, ठीक, कार्निया देखिए क्या है, मानव नेत्र का, मानव नेत्र के सामने जो उभरा भाग होता है, मानव नेत्र का जो सबसे उभरा भाग होता है, आप लोग देखेंगे तो जो मानव नेत्र का सबसे उभरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कार्निया कहलाता है। काम का होता है, काम क्या होता है, कार्निया से ही प्रकाश किरणें मानव नेत्र के अंदर छुक 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 करके प्रवेश करती है। क्या हमने बताया, हमने बताया कि जो कार्निया होता है वो मानव नेत्र का जो होता है ना उभरा हुआ भाग होता है, जिसके जिसके थ्रू, जिसके माध्यम प्रकाश किरणें जो है नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। ये द्वारपाल का काम करता है। क्या करता है, द्वारपाल का काम। कैसे, ये कार्निया हो गया, इसका भाग क्या है, उभरा है, तो मानव नेत्र का जो उभरा भाग हो गया वो कार्निया कहलाया, जिससे प्रकाश किरणें नेत्र के अंदर का कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। भाई साहब ये होता है कार्निया। अब आइएगा, धीरे धीरे जानते हैं। फिर क्या होती है, इसी के बीच आती है दूसरी लाइन, देखिए आइरिस क्या होती है, आइरिस। अब आइरिस क्या होती है, ये देखिए एक आइरिस यहाँ है, एक आइरिस यहाँ है, देखिए एक आइरिस ये, एक आइरिस ये, ये क्या होती है, ये भी मांसपेशियों का ही बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का ही बना होता है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये जो ये बीच में एक छिद्र नहीं दिख रहा, जिसे आप लोग पुतली कहते हो या नेत्र तारा कहते हो, ये आइरिस क्या करता है, पुतली को बड़ा करता है और पुतली को क्या करता है, छोटा करता है, जिसके कारण हम लोग जो है नजदीक की भी वस्तुओं को देख पाते हैं और दूर की भी वस्तुओं को क्या करते हैं, देख लेते हैं। जब नजदीक देखना हो तो नजदीक देख लिए, दूर देखना हो तो दूर देख लिए। प्यारे बच्चों क्या हम यही यही आइरिस जो है ये काम करता है, क्या करता है, देखिएगा जब प्रकाश जो है ना, प्रकाश की तीव्रता कम रहती है, जब प्रकाश की तीव्रता कम रहती है यानी अंधेरा टाइप रहता है, तो ये क्या होता है, ये जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है। क्या होती है, पुतली सिकुड़ जाती है,
सॉरी पुतली नहीं आयरिस सिकुड़ जाती है। प्यारे बच्चों फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा आयरिस क्या होता है, आयरिस मांसपेशियों का बना होता है और जो कि क्या करता है, जो कि पुतली को बढ़ाता है और क्या करता है घटाता है। अब कैसे घटाता है, सिकुड़कर और फैलकर, सिकुड़कर और फैलकर। प्यारे बच्चों ये हो गई आयरिस, क्या हो गई आयरिस के बारे में। अब क्या बचा, नेत्रलेंस और पुतली। पुतली ध्यान से समझिएगा, पुतली का होता है आयरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है, क्या होता है छोटा सा छिद्र होता है। अब जिससे क्या होता है, जिससे प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जब प्रकाश किरणें कार्निया से आई तो इसी छिद्र से होते हुए प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के पास पहुंचती है। तो नेत्र तारा क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके जिससे प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के पास पहुंचती हैं। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई, आइए अब आखिर जान लेते हैं नेत्रलेंस किस चिड़िए का नाम है। नेत्रलेंस मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि प्रोटीन युक्त पदार्थों से मिलकर बना होता है। हमने क्या बताया, नेत्रलेंस मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस प्रकार आपके फिजिक्स पेपर में ये मानव नेत्र महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस प्रकार नेत्रलेंस भी मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे प्रकाश किरणें जो है क्या होती हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसके कारण ये जो प्रकाश किरणें होती हैं इसी के कारण जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस से ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक और बचा है पश्चमा भी मांसपेशियां, पश्चमा भी मांसपेशियां, वह मांसपेशियां जिन पे ये नेत्रिका लेंस टिका रहता है। ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे लगा है ना, इसी पे क्या होगा, नेत्रिका लेंस टिका रहता है जो क्या करता है, जो क्या करता है डियर स्टूडेंट, जिससे नेत्रिका लेंस अपने स्थान से हटता नहीं है। प्यारे बच्चों अपने लैंग्वेज में फिजिक्स को पढ़ो, अपने लैंग्वेज में फिजिक्स को बताने की कोशिश करो। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ू है कि रट लोगे आप लोग। देखिए फिर से एक बार जानते हैं, आइए पश्चमा भी मांसपेशियां क्या होती हैं, वह मांसपेशियां या मांस की बनी वह पेशियां जिन पे नेत्रिका लेंस का रखा रहता है, जिन पे नेत्रिका लेंस टिका रहता है वो क्या कहलाती हैं, पश्चमा भी मांसपेशियां कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट उसके बाद आता है आयरिस, क्या होता है आयरिस, आयरिस कितने होते हैं, दो होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि नेत्र तारा को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं घटाते हैं, नेत्र तारा के साइज को बढ़ा देंगे और क्या कर देंगे घटा देंगे, कैसे, सिकुड़कर और फैलकर, ये सिकुड़ के और फैलकर। फिर कार्निया क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। मानव नेत्र का जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है डियर स्टूडेंट। फिर पुतली का होती है या नेत्र तारा का होता है, पुतली और नेत्र तारा एक ही होते हैं जो एक छोटे से का होते हैं छिद्र होते हैं जिससे प्रकाश किरणें नेत्रिका लेंस के पास पहुंचती है। अब नेत्रिका लेंस का होता है, यह मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि प्रोटीन युक्त पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिससे प्रतिबिंब कहां बनती है, रेटिना पर बनती है। लास्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, काचाभ द्रव क्या होता है। मानव नेत्र के अंदर भरा हुआ एक नमकीन पदार्थ होता है, यह इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन के जैसा होता है। इसका लगभग अपवर्तनांक जो होता है जल के बराबर होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। तो अपवर्तनांक इसका कितना होता है, 1.33, जिससे यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित नहीं होती और वह रेटिना पर सीधे चली आती हैं। तो काचाभ द्रव क्या होता है प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में भरा हुआ एक जली द्रव होता है जिसका स्वाद नमकीन जैसे होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 लगभग होता है। एक चीज और लिखा गया है, एक यहाँ और बनाना है, एक होता है ये देखिएगा नेत्रोध, क्या होता है
नेत्रोध, नेत्रोध भी एक जलीय द्रव होता है। ये देखिए हमने डॉट डॉट करके दिखाया है, नेत्रोध क्या होते हैं, एक जलीय द्रव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसलिए पाए जाते हैं कि जिससे ये आयरिस जो है आपका सिकुड़ता है, फैलता है, तो जिससे उसमें फिसलन पैदा कर सके, जिससे आयरिस आसानी से सिकुड़ सके, आसानी से क्या हो सके, फैल सके, इसीलिए यहाँ नेत्रोध पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका फिजिक्स है वो आपका ये जो 4 नंबर या 7 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज आपको बता दिया। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे। डियर स्टूडेंट, जरा सा भी इससे लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर के एग्जाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने बताया आपको। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप एक बार रिपीट करेंगे तो आपको जरूर आ जाएंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपके एक लाइक से कुछ जाता नहीं है, बल्कि एक प्रकार का हौसला मिलता है। प्यारे बच्चों, एक मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।